कैसे आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिस प्रोडक्ट को कि आप यहाँ से बाहर भी भेज सकते हैं। जैसे अगर सैफरन की बात की जाए तो यहाँ पर नेचुरल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत हैं, नेचुरल मिनरल्स बहुत हैं, और इसमें से अगर इसको वैल्यू ऐड करके अगर हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकें तो हम अपना तो विकास करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था के विकास में भी मदद करेंगे। तो एक्सपोर्ट पे डिटेल डेलीगेशन के लिए और तकनीकी ज्ञान देने के लिए हमने फीओ जो कि एक जानी मानी संस्था एक्सपोर्ट के क्षेत्र में नेशनल लेवल की, उनके एक्सपोर्ट को कलकत्ता से बुलाया है, ये भी हमारे बीच में रहेंगे। और एक्सपोर्ट्स के स्क्रैच से लेकर एक्सपोर्ट स्टार्ट कैसे करें, लाइसेंस कैसे लें, कौन से प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें, किस कंट्री में करें, किस कंट्री के साथ हमारे दोस्ताना संबंध है, ट्रेड बैरियर्स नहीं है, ट्रेड फ्रेंडली रिलेशन हैं, और कैसे और भी कौन सी आवश्यकताएं, कैटेगरी कौन सी है या नॉर्म्स कौन से, इसके बारे में ये विस्तृत चर्चा करेंगे। डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो कि भारत सरकार की एक संस्था है जो कि बेसिकली फॉरेन ट्रेड जानी मानी संस्था है, उसके भी एक्सपर्ट कलकत्ता से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमसे जुड़े हैं। तो कुल मिलाकर ये उद्देश्य जो है वो ये है कि ऐसी एमएसएमई बोकारो रीजन की या बोकारो के आसपास की जो कि अभी अपना काम कर रही है, प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रही है, लोकल लेवल पे अपने किसी कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है या सीबीएसई को प्रोवाइड कर रही है, वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ाते हुए और इन सारी जानकारियों को एसिमिलेट करते हुए, यूज करते हुए कैसे लोकल से इंटरनेशनल मार्केट में जाए। तो पहले वो नेशनल में जा सकते हैं जेम का माध्यम, जेम का उपयोग करके हो सकता है कि आप बोकारो में बैठे बैठे जेम पोर्टल पे ऑनबोर्ड होकर आप न केवल बोकारो स्टील लिमिटेड को बल्कि सेल्फी और भी कहीं जैसे राउरकेला है, जलाई है, बरनपुर है, इवन तमिलनाडु में सेलम स्टील प्लांट है, तो इनको भी सप्लाई कर सकते हैं। लोकल से नेशनल कैसे हो, यही बैठे बैठे आप जेम के माध्यम से अपने प्रोडक्ट को नेशनल लेवल पे देश के विभिन्न कोनों में कैसे पहुंचा सकते हैं, उसमें जेम आपकी मदद करेगा, और एक्सपोर्ट प्रमोशन से आप अपने प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे भी पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है कि इंडस्ट्रीज लोकल से नेशनल और नेशनल से इंटरनेशनल मार्केट तक कैसे पहुंचे। जैसा कि अभी हम लोगों ने सुना है कि भारत जो है ब्रिटेन को छोड़कर पीछे छोड़कर पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, और जिस रेट से हम प्रगति कर रहे हैं, जो हमारा विकास रेट जो ग्रोथ रेट है उसके हिसाब से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत आने वाले समय में हो सकता है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए जर्मनी को पीछे छोड़कर। तो देश एक अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था प्रगति पर है, हमें ये इंश्योर करना है कि झारखंड का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वो कैसा है, बोकारो का कंट्रीब्यूशन कैसा है, आपका कंट्रीब्यूशन कैसा है, देश के विकास के साथ क्या हम भी उस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं, अपना विकास सुनिश्चित कर रहे हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी है, हमारा प्रयास है, और इसमें जो है जैसा आप देख रहे होंगे कि स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि माननीय प्रतिश्री मैम हैं और उनका एक्टिव सपोर्ट हमें मिलता रहता है। अभी रिसेंटली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होने जा रही है जिसमें राज्य सरकार ने भारत सरकार के टूल रूम को स्टैब्लिश करने के लिए जमीन यहाँ पर जैना मोड़ के पास प्रोवाइड की है, और क्रियाएँ जो लीज ट्रांसफर भी बहुत जल्दी होने वाली है, इसमें मैडम का भी एक्टिव सपोर्ट रहा है, और उसके बाद हम फिर उसकी टेक्निकल डीपीआर बनाकर इस्टेब्लिश करना और इन सारी चीज़ों को करना नियर फ्यूचर में करेंगे। और उस टूल रूम स्टेट ऑफ द आर्ट टूल रूम आने के बाद जो इंडस्ट्रीज के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी, कैलकुलेशन फैसिलिटी, मैन पावर अवेलेबिलिटी, स्किल मैन पावर, और इसके अलावा कुछ जगह पर करना चाहें आपकी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी आवश्यकताएं होंगी उन्हें सेटअप करेंगे। बेसिकली फिर इस प्रोग्राम के उद्देश्य को बताते हुए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे बीच में है, कल हैंड होल्डिंग सपोर्ट के लिए हमारे अधिकारी आपके बीच में रहेंगे, आपके ऊपर है कि आप इनसे कितना इंटरेक्ट करते हैं, कितना इनसे समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं, भारत सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से, और सबसे बड़े बायर जो हैं जो कि यहाँ पर उपलब्ध हैं बीएसएल, जिन्होंने ये सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध कराई हैं, और आपका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और आपके उत्साह के साथ हम लोग इस पूरे अपॉर्चुनिटी को यूज करके कैसे मीनिंगफुल बना सकते हैं, मीनिंगफुल इंसाइट लेकर अपने व्यवसाय को और अपने उद्यम को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी विश के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप सबको इस मीनिंगफुल वर्कशॉप्स का फायदा अच्छी तरह उठाएं, इसका अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।